जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार, लाजवाब और महत्वपूर्ण वीडियो पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को। इसके पहले हमने साथियों जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स को देख लिया था। आपको एक महीने के करंट अफेयर्स का एक वीडियो दिया जा रहा है ताकि साथियों आप कम समय में अधिक सीख सकें, ठीक है। तो साथियों, जो निचोड़ निकल कर आता है आपका प्रत्येक महीने का करंट अफेयर्स का, वही साथियों इस वीडियो में बताया जाता है ताकि आप साथियों अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और कम समय में आपके जो पेट परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स से, उन 10 में 10 नंबर आप प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो साथियों, एक एक प्रश्न देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न से, जुलाई करंट अफेयर्स के। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ऑनलाइन कैब सेवा शुरू की है? तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा केरल। देखिए साथियों, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपके पास समय कम है और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं और उसके उत्तर, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश आप जरूर करिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं याद होता तो आप दो बार देखिए। इसका PDF भी आपको साथियों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर दिया जाएगा। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए और एक बार फिर वीडियो देखिए ताकि एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो पाए, ठीक है। और साथियों 100% आपके जो प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स के, साथियों जितना मैं बता रहा हूं वहीं से आएंगे, बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जुलाई। 30 जुलाई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस से आपके एक से दो प्रश्न आएंगे, एक तो करंट अफेयर्स के रूप में पूछ सकता है और एक GK के रूप में। तो जो दिवस है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आपका 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना को 28 जुलाई को अमेरिका से कौन सा हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ? यानी कि जो 28 जुलाई 2022 का समय था उसमें अमेरिका से कौन सा हेलीकॉप्टर जो भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। याद कर लीजिए इस हेलीकॉप्टर का नाम, 2MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। ये अमेरिका से प्राप्त हुआ भारतीय नौसेना को। अगला प्रश्न है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों द्रौपदी मुर्मू जो है, ये आपका जो है राष्ट्रपति चुनाव जीती हैं 2022 में, ठीक है। और 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति हैं, याद कर लीजिए इसको भी, ठीक है। और इसके पहले जो द्रौपदी मुर्मू के पहले कौन राष्ट्रपति थे? रामनाथ कोविंद, इसको भी आप जानते रहिए करंट अफेयर्स के रूप में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? क्वेश्चन 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2025 में। यानी कि जो आपका महिला क्रिकेट विश्व कप होगा ICC का, उसमें साथियों 2025 में भारत को मेजबान के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 जुलाई। 27 जुलाई को जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका जो पुण्यतिथि है वो 27 जुलाई को है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने वेंटिया मॉड्यूल नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाइना। चाइना ने जो है वेंटिया मॉड्यूल नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 2022 में NSE के प्रबंध निदेशक और CEO कौन हैं? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। नाम याद रख लीजिए, 2022 में NSE के प्रबंध निदेशक और CEO, ठीक है, दोनों हैं कौन? आशीष कुमार चौहान। NSE का फुल फॉर्म क्या है साथियों, आप भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप भी कुछ जानकारी देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। देखिए, दिवस से बहुत प्रश्न बन रहे हैं, तो आपका एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दिवस से। आपका साथियों
ठीक है, एक से दो क्वेश्चन तो पक्के हैं, दो क्वेश्चन, लेकिन तीन भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दिवस जरूर आप महत्वपूर्ण जो दिवस बन रहे हैं उसको जरूर करंट के रूप में याद कर रहे हैं। तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को, ठीक है। क्वेश्चन में साथियों इसलिए पूछ रहा हूँ NSE का फुल फॉर्म, ताकि आप भी अपने दिमाग पर कुछ जोर डालें और इधर उधर सर्च करें और आप भी जानकारी बटोरें, तो आपको अच्छी जानकारी धीरे धीरे इसी तरह प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की गई। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका PDF पाने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका साथियों, 2022 में कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कुवैत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह। नाम याद कर लीजिए, देखिए किस तरह का नाम है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबह, ठीक है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत ने किस देश के साथ चीता और वन्य जीव वार्तालाप को फिर से शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चीता और वन्य जीव वार्तालाप पर, तो अभी आप एक चीज न्यूज़ में ट्रेंडिंग में देख रहे थे कि क्या आया है, चीता आया है, ठीक है। कहाँ से आया है, नामीबिया से आपका आया है चीता। तो यही आपका जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, आपका जुलाई 2022 में हुआ था, ठीक है। तो अभी वहाँ से नामीबिया से चीता मंगाए गए हैं, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रजत पदक जीतने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध पूछा जाए तो भाला फेंक यानी कि जेबलिन थ्रो, ठीक है, इनका इससे संबंध है। और इन्होंने जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल भारत की तरफ से जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई को, यानी कि कारगिल पर जो विजय प्राप्त हुई थी भारत की 26 जुलाई को हुई थी, ठीक है। सन कब है नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आपका सही उत्तर आप सोचे गुजरात, गुजरात में आयोजित किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे 16 जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से सेवामुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि INS सिंधु ध्वज, ठीक है, इसका नाम था INS सिंधु ध्वज। तो ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में कहां पर मिला? देखिए मंकी पॉक्स जो है ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये बीमारी, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए। तो जो मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में कहां पर मिला, तो ये साथियों आपका मिला कहां पर, केरल में, केरला ऑप्शन डी सही जगह, कहां पर, केरल राज्य में मिला था और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अगर पूछा जाए ऐसा व्यक्ति कहां पर मिला मंकी पॉक्स का जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो आपका पहला जो मामला आया था वो केरल में ही आया था। अगला प्रश्न साथियों, श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति साथियों रनिल विक्रमा सिंघे बने हैं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों, INS सिंधु ध्वज ने कितने वर्ष की सेवा अवधि प्रदान की थी? अभी मैंने आपको साथियों ऊपर बताया, ठीक है, INS सिंधु ध्वज के बारे में क्या बताया था, यहाँ देखिए क्वेश्चन, अभी मैंने बताया पनडुब्बी है, भारतीय नौसेना ने इसे सेवा मुक्त कर दिया है 16 जुलाई 2022 को। यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि कितने मतलब सेवा अवधि प्रदान की थी इस पनडुब्बी ने, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 35 वर्ष जो है ये पनडुब्बी जो थी आपकी INS सिंधु ध्वज, उसने इतने वर्ष की सेवा अवधि जो है भारतीय नौसेना के साथ दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस आपका साथ मनाया जाता है 15 जुलाई को, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया द्वारा कितने रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है?
जो साथियों आप मोबाइल चलाते हैं चाइना की मोबाइल ओप्पो, उसी की बात हो रही है। तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया द्वारा साथियों सीमा शुल्क यानी से इंडिया के जो पैसे बनते हैं ओप्पो द्वारा वो चाइना में भेजे जाते हैं, तो साथियों उन्होंने चोरी कर लिया था कितने पैसे की। तो ये साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4389 करोड़। ठीक है, इतने की जो सीमा शुल्क की चोरी पता लगाया गया था राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिनलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले 94 वर्षीय महिला का नाम क्या है। कहाँ पर साथियों, फिनलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय महिला का नाम क्या है। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भगवानी देवी जी। भगवानी देवी जी इनका नाम है, और इनकी उम्र कितनी साथियों, 94 वर्ष है, फिर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर स्प्रिंट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 जुलाई को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों। सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने सर्बिया में हुए पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। कहाँ की बात हो रही साथियों, सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप, ठीक है, महिला एकल खिताब, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, भारत की पीवी सिंधु ने जीता। अगला प्रश्न है, 12U2, ठीक है, 12U2 शिखर सम्मेलन किस देशों में आयोजित किया गया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया, इसराइल, UAE एंड USA में। ठीक है, तो यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा शिखर सम्मेलन, 12U2, ठीक है, ये 12U2 या 12U2 शिखर सम्मेलन इंडिया, इसराइल, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात और USA, ठीक है, इसमें आपका जो है आयोजित किया गया। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर रहा, 2022 में स्पेन में गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जीएमडी गुकेश ने जीता। क्या जीता, स्पेन में जो हुआ था गिजोन शतरंज मास्टर्स, ठीक है, वो जीएमडी गुकेश ने जीता। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, 2022 में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पल्लवी सिंह आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जीता, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का किताब, ठीक है, याद कर लीजिए यह शब्द, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का किताब 2022 का पल्लवी सिंह ने जीता। अगला प्रश्न देखिए साथियों, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, याद कर लीजिए, रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पुरुष एकल है विम्बल्डन 2022 किसने जीता, तो पुरुष एकल 2022 का विम्बल्डन किसने जीता, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक, ठीक है, नोवाक जोकोविक ने जीता पुरुष एकल विम्बल्डन 2022 का खिताब, ठीक है, नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न देखिए साथियों, महिला एकल विम्बल्डन 2022 किसने जीता। अब तक देखिए ऊपर मैंने बताया पुरुष एकल विम्बल्डन 2022 के बारे में नोवाक जोकोविक, ठीक है, तो अब महिला की बात हो रही है, तो साथियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एलेना रायबाकीना, ठीक है, नाम याद कर लीजिए, एलेना रायबाकीना, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, G20 के नए शेरपा कौन बने हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमिताभ कांत, ठीक है, G20 के नए शेरपा कौन बने हैं, तो अमिताभ कांत बने हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन बनी है, तो साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनी शेट्टी क्या बनी है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, 2022 में कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में एलोरडा कप में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, गीतिका एंड अल्फिया पठान, गीतिका और अल्फिया पठान ने
नूर सुल्तान में एलोरडा कप में स्वर्ण पदक जीता 2022 में, कहां पर हुआ था, कजाकिस्तान में। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गूगल इंडिया ने SSI लॉन्च किया, SSI क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्टअप स्कूल इंडिया। ठीक है, गूगल इंडिया ने SSI लॉन्च किया है, किसने। अगर प्रश्न आता है कि SSI किसने लॉन्च किया है, गूगल इंडिया ने, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है। और SSI का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ हैं ये IMF के जो पूर्व अर्थशास्त्री थे, उनकी दीवार बनने वाली भारत की पहली महिला अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, साथियों फटाफट पढ़िए और उत्तर जो होता है उसको कब्जे में करिए, याद रखिए, रट लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पूर्ण रूप से चालू हुई, क्या कौन सी योजना साथियों, सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामागुंडम तेलंगाना। ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है, पूर्ण रूप से चालू हुई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 3 जुलाई को। ठीक है, यानी कि जुलाई की 3 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं साथियों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एयर लैपिड, लापे ऐ की मात्रा, पापे छोटी की मात्रा, डा, एयर लैपिड। ठीक है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, GST आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। ठीक है, निम्न में से GST की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस साथियों 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कब इस्तीफा दिया था, ठीक है, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कब इस्तीफा दिया था, तो आपका ऑप्शन सही जाएगा 30 जून को। देखिए याद कर लीजिए, अभी जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने इस्तीफा दिया था कब, 30 जून को दिया था। ठीक है, तो ये भी करंट के रूप में पूछा जाता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के कौन से CM ने इस्तीफा दिया था, तो उद्धव ठाकरे ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे। याद कर लीजिए, करंट के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है आपकी परीक्षा के लिए कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उसके बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो एकनाथ शिंदे, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए GST से फिर आ गया, ये प्रश्न आपका आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स GST, ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 को इसका डेट आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन साथियों गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो ये साथियों आपके रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके जुलाई 2022 के। तो उम्मीद है आपको साथियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसका PDF नीचे टेलीग्राम चैनल है, लिंक उसमें डाल दिया जाएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।